नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चित्रांश एग्रीकल्चर पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करेंगे धान की फसल में लगने वाले इस रोग के बारे में। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह रोग चावल के तने की सड़न के रोग से नाम से जाना जाता है, जिसमें आपकी धान की जो फसल है वह कुछ इस तरह से सड़ने लगती है और आपकी फसल को यह भारी नुकसान पहुँचा सकती है। उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करें, इस विषय में आज बात करेंगे। आपको इसकी रोकथाम के लिए UPL का साफ, कार्बन डाइजिम मैनकोजेब, यह आपको इसमें केमिकल मिलता है जिसमें आपको मैनकोजेब 63% और कार्बन डाइजिम 12% होता है। आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे आपको अपनी फसल में कर देना है। अगर आपकी फसल में यह रोग देखने को मिले तो आप इसकी रोकथाम जल्दी ही करें, अन्यथा फसल कुछ इस तरह भी आपकी हो सकती है और आपको इससे भारी नुकसान भी हो सकता है। दूसरी, अगर आपको ना मिले तो आप इस दवा का भी स्प्रे कर सकते हैं जिसमें कार्बन डाइजिम 50% WP में होता है। यह भी आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में आपको इसका स्प्रे कर देना है। और इस रोग से आपकी फसल की सुरक्षा के लिए यह दवाएं बेहतर हैं, आप इनका उपयोग करें और अपनी फसल को स्वस्थ करें, अन्यथा आपकी फसल भी कुछ इस तरह से हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है क्योंकि इसमें सड़न की समस्या होने लगी है। यह एक फंगस है जिसको रोकने के लिए इन फंगिसाइडों का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको एक और दवा जो धानुका कंपनी की है इसमें मैनकोजेब 75% WP में होता है। यह भी आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में इसका स्प्रे कर दें। यह रोग भी धान की फसल में एक ऐसा रोग है जो फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा आपको दवाई और भी ना मिले तो आप इसमें से एक दवा का भी स्प्रे कर सकते हैं जो हेक्साकोनाजोल या 75% में आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। आप इन दवाओं में से किसी एक दवा का स्प्रे करें, आपकी फसल स्वस्थ हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलें। धन्यवाद।